पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यंग एनर्जेटिक पॉजिटिव पीपल की ओर से तीज का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता नेहा मेहरोत्रा द्वारा की गई और संचालन सलोनी खन्ना द्वारा किया गया। संजना भटनागर और प्रिया गुप्ता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अमूल्य योगदान दिया। इस उपलक्ष्य में मेंबर्स द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें हाउसी गेम्स, लकी ड्रॉ, लकी लेडी में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में प्रिया गुप्ता तीज क्वीन चुनी गयी, आकांक्षा सेकेंड तीज रही। इस अवसर पर सुमिता, अदिति, रितिका, वर्षा, तृप्ति, चित्रा, शालिनी, वर्षा, शिल्पी आदि का विशेष सहयोग रहा और सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सुंदर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनका सभी ने आनंद लिया। तीज सेलिब्रेट किया है और ये अब मुरादाबाद के नाम से मेरा क्लब है। क्या क्या प्रोग्राम रहेगा इसमें? हमने गेम्स खेले, तीज क्वीन चुनी गई, लकी लेडी थी और हाउसी थी और खूब सारा डांस और मस्ती। क्या क्या मैसेज करने की कोशिश की है? मेरा मैसेज ये है कि घर पे जितनी भी लेडीज रहती हैं जो जॉब नहीं करती, जो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए और सबको करना भी चाहिए। तो कहा जाए कि जो क्लब प्रोग्राम होते हैं वो होते रहने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। इसके अलावा जो क्लब मेंबर्स हैं उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया है, किस तरह से पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट भी सबने किया है, गेम्स में भी किया है, हाउसिंग में भी, तीज क्वीन में भी, और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट सबने मेरी हेल्प करी है, सबने मेरे साथ खूब कॉपरेट किया है। एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहना चाहूँगी नेहा भाभी को, जिन्होंने पर्सनली फ़ोन करके हम लोग को कन्विंस करा कि आज के दिन आपको आना है। एक्चुअली मेरा आज एकादशी का फास्ट था, फिर भी उनके प्रेम भरे बुलावे के कारण हम आए यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत इंजॉय करा। गेम्स भी बहुत अच्छे थे, हाउस भी बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, क्रिएटिव थी और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने और हमने बहुत इंजॉय किया। थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।